बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे। हमारे जो है ग्रामर के पोर्शन का, ग्रामेटिकल पोर्शन का आज जो है लेक्चर नंबर 7 है। वैसे टोटल 64 लेक्चर नंबर है। ये 9th और 10th के बोर्ड के पेपर्स में, MCQs में लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4, और सेकंड ईयर के MCAT और ECAT में आता है ये क्वेश्चन। इंग्लिश के पेपर में के पोर्शन में ये ग्रामेटिकल पोर्शन होता है हमारा, और बहुत अहम होता है सेकंड ईयर में, तो 9th 10th में भी होता है और मुश्किल भी होता है 9th 10th में। सेकंड ईयर में भी ये कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको। उसी के पोर्शन का हमारा माशाल्लाह से आज 7th लेक्चर है और उसमें चल रहा है हमारा, पहला हमारा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? द इन्फिनिटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। द इन्फिनिटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑफन फॉलोड बाय टू। कहता है कि इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा जो है टू के बाद यूज़ होती है, यानी कि टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम, दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटिव। जैसे आई वॉन्ट टू गो, टू गो इन्फिनिटिव है। They tried to find fault. To find जो है infinitive है। Birds love to sing. To sing infinitive है। After certain verbs like bid, let, make, need, dare, see, hear, we use these infinitives without to. टू के बगैर यूज़ होते हैं। बिड हिम गो, लेट हिम सिट, आई मेड हिम रन, टू रन नहीं लिखेंगे कुछ इन वर्ब्स के बाद जो है। यू नीड नॉट डू इट, यू डेयर टू डू इट नॉट, यू डेयर नॉट डू इट, आई सॉ हिम डू इट, आई हर्ड हिम क्राई। तो ये हमारे कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जो है हम, आई हर्ड हिम cry के जिनके बाद टू लगाए बगैर ही हम फर्स्ट वर्ब लगाते हैं। इन्फिनिटिव डायरेक्ट यूज़ होता है इन वर्ब्स के बाद। फिर हमारा आता है द पार्टिसिपल, ये भी वर्ब ही है हमारी पार्टिसिपल। द पार्टिसिपल इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच हैज़ द नेचर ऑफ बोथ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। पार्टिसिपल में जो है क्या कहता है, एक वर्ब ही है जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव की नेचर पाई जाती है। जैसे कि हेयरिंग द नॉइज़ द बॉय वोक अप, ये हमारी हेयरिंग या पार्टिसिपल हुआ। ही मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट, कैरिंग क्या हो गया, ये पार्टिसिपल हुआ। अ रोलिंग स्टोन, लुढ़कता हुआ पत्थर, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी कि कभी कोई काम करना, कभी कोई काम करना, कभी कुछ करना, ये करना, ऐसे करने वाला कभी भी जो है कामयाब नहीं होता, वो उसका कहने का मतलब ये। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, फिर आ जाता है हमारा पार्टिसिपल के बाद काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, ये ज़्यादा ज़रूरी अहम है समझना इनको। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स विद ING, ING से एंड होता है, एंड शोज एन एक्शन इज गोइंग आर इनकम्प्लीट, अभी हो रहा है या अभी नामकम्मल है। जैसे ही मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, हेयरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, लाउडली नॉकिंग एट द डोर ही डिमांडेड एडमिशन। वी कॉल इट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, हाँ ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं होती, याद रखें। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, इंग फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आने वाली वो कहलाती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन इनकी सेंस, अच्छा प्रेजेंट पार्टिसिपल की मीनिंग में याद रखें, मीनिंग में हमेशा हुए का मीनिंग आएगा, उर्दू में हुए का मीनिंग, ये पहचान है। और इसके अपोजिट आता है जर्न्ड, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है, इंग फॉर्म ही होती है सेम। तो उसके मीनिंग में और इसके मीनिंग में फ़र्क समझने से है ना। जैसे ही मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट, उठाए हुए
पकड़े हुए, हेयरिंग द नॉइज आवाज़ सुनते हुए, नॉकिंग एट द डोर दरवाज़ा खटखटाते हुए या दरवाज़े पर दस्तक देते हुए, ये जब हुए का मीनिंग आया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर पास्ट पार्टिसिपल है आ जाता है हमारा, कहता है इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज़ अ कंप्लीट एक्शन, कहता है शोज़ दैट एक्शन इज़ कंप्लीटेड, ये एक्शन कंप्लीट हो गया है। क्या कहता है उसका, कहता है कि वो पास्ट पार्टिसिपल स्पोकन ऑफ सच एज, जैसे ये याद रखें पास्ट पार्टिसिपल के ऑल द थर्ड फॉर्म्स इन पैसिव वॉइस सेंस, ऑल द थर्ड फॉर्म्स इन पैसिव वॉइस सेंस आर कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल्स। और इनमें याद रखें पार्टिसिपल की नेचर में क्या है, वर्ब और एडजेक्टिव, और अक्सर जो है पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। कभी कभार पार्टिसिपल ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म्स हैं पैसिव वॉइस की सेंस में, जितनी भी थर्ड फॉर्म्स पैसिव वॉइस की सेंस में हैं वो पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाएंगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वो जो है एडजेक्टिव की नेचर के तौर पर यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो सकता है, जैसे शी इज़ अ लविंग मदर, लविंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता हो रहा है। ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप, ड्रिवन बाय हंगर ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड, थर्ड फॉर्म्स की शक्ल में है लेकिन पैसिव वॉइस की सेंस में। फिर इसके बाद आ जाता है पार्टिसिपल फ्रेज, क्या आ जाता है पार्टिसिपल फ्रेज, फ्रेज क्या होता है वो हमारा फ्रेज शॉर्ट सेंटेंस का हिस्सा है। A group of words which gives incomplete sense is called phrase. Participle phrase क्या होगा, जो जिसके अंदर participle पाया जाएगा या वो participle से शुरू हो रहा होगा, चाहे वो third form से शुरू हो चाहे वो ing form से शुरू हो। जैसे है hearing the noise, hearing the noise the boy woke up, ये hearing the noise जो है ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है। नॉकिंग एट द डोर ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है। अकॉर्डिंग टू इट इट्स यूज इट इज एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज भी कहलाता है। फिर इसके बाद आ जाता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जैसे द पार्टिसिपल विच इज यूज्ड एट सिंपल क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड, यानी कि एडजेक्टिव क्या करता है, रोल प्ले करता है, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन, द वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ऐसा लफ्ज जो नाउन को मॉडिफाई करता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो वो और पार्टिसिपल एडजेक्टिव वही होगा जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, जैसे अ रोलिंग स्टोन, रोलिंग लुढ़कता हुआ स्टोन नाउन है तो वो हमारा जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाएगा। स्पार्किंग वाटर, स्पार्किंग चमकता हुआ जो रिफ्लेक्ट करता हुआ वाटर पानी जो है, वाटर नाउन हो गया। तो द क्रीकिंग डोर, चटखटाते हुए चीखे मारता हुआ जिसके जो ची ची की आवाज़ आती है वो वाला। अ लाइंग विटनेस, झूठ बोलने वाला जो है ना गवाह ये। फिर इसके बाद आ जाता है पार्टिसिपल के ही पैरेलल भी कह सकते हैं या अपोजिट भी कह सकते हैं, दोनों ही इंग फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इंग फॉर्म है और जर्न्ड भी इंग फॉर्म है, ये दोनों में है फ़र्क। अ जर्न्ड इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स विद द एन जी एंड हैज़ द नेचर ऑफ नाउन एंड वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब एंड एडजेक्टिव की नेचर है और जर्न्ड में नाउन वर्ब एंड नाउन की नेचर है, यानी कि ये मोस्टली जो है बाज़ का नाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। प्लेइंग कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड हेयर,
I like reading poetry. He is fond of hoarding money. He is fond of hoarding money. अच्छा, जर्न्ड के प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्पेल के मीनिंग में मैंने आपको बताया था कि आता है लफ्ज मीनिंग में हुए का लफ्ज आता है, जबकि जर्न्ड के मीनिंग में नून अलिफ ना आता है. खाना खाना. आई लाइक ईटिंग बिरयानी. मैं बिरयानी खाना पसंद करता हूँ. इस तरह जो है ये यूज़ होता है. फिर है डिफरेंस बिटवीन ऑक्जिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब. ऑक्जिलरी और मॉडल वर्ब के दरमियान में फ़र्क क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है. लेकिन बस हमारा ये आखिरी पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्जिलरी वर्ब. कहते हैं ऑक्जिलरी वर्ब द वर्ब वर्ब्स जैसे हैं एम बी की वर्ब्स हैं एम इज वॉज इट सी हैव एंड टू डू एंड डू व्हेन यूज्ड विद द ऑर्डिनरी वर्ब्स टू मेक टेंसेस पेंस पैसिव वॉइस फॉर्म क्वेश्चन नेगेटिव आर कॉल्ड ऑक्जिलरी वर्ब्स. कहते हैं मॉडल वर्ब्स कौन सी हैं द वर्ब्स कैन could, may, might, will, shall, could, would, should, must and ought are called modal verbs and they are used before ordinary verbs to express meaning such as permission, possibility, certainty, necessity, need and dear and dear need and dear can sometimes be used like modal verbs. कहते हैं कि ये possibilities को show करने के लिए या simple अल्फाज में auxiliary verb वो है which helps another verb, उसके बाद verb लगी होती है और ये हमेशा जो है ये इसके बाद भी verb ही लगी होती है लेकिन first form of verb होती है और ये possibility को show कर रही है, permission को show कर रही होती है, मुख्तलिफ चीज़ों को show कर रही होती है. ओके, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. अगर नहीं समझ आया कोई चीज़ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फीडबैक दें लाजमी. ओके, हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय.